हाय एलियंस, तो आज हम एक ऐसे टाइम वर्ड और एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं विच हेल्प्स अस टू मेक सेंटेंसेस फॉर एडवाइस एंड सजेशन। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट टेक्स ऑल द सब्जेक्ट्स, बेसिकली वी हैव 8 सब्जेक्ट्स, आई यू वी दे ही शी इट नेम अलोंग विद फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म अमूमन सभी को पता होती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस शुड। आज का टॉपिक हमारा है शुड। शुड कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे हम किसी को सजेशन देते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो कि एक नाउन है, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, जो कि एक एक्शन है और वर्ब है। सो दिस इज एडवाइस एंड दिस इज एडवाइस। वेल, शुड सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आता है अलोंग विद फर्स्ट फॉर्म। और जब कभी आप किसी को एडवाइस करते हैं, वेन एवर यू गिव पीस ऑफ एडवाइस और पीस ऑफ सजेशन, तो आपके हिंदी के वाक्य में लास्ट में दिस मस्ट बी देयर चाहिए, आपके हिंदी वाक्यों के अंत में आना ही आना चाहिए। ऑलराइट, और अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप जानते होंगे कि चाहिए नाम के शब्द हिंदी में दो होते हैं, जिनकी अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस चाहिए, इसका मतलब होता है शुड, आपको आना चाहिए, जाना चाहिए जब हम किसी को एडवाइस करते हैं। और दूसरा चाहिए होता है जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, दैट इज़ सेपरेट इश्यू। आज हम ओनली इस चाहिए को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दैट इज़ हाउ यू विल मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू पुट द सब्जेक्ट, वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट कुछ भी हो सकता है। सून आफ्टर, विच इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, आपको शुड ही पुट करना है। एंड सून आफ्टर एक्शन की कोई भी फर्स्ट फॉर्म। अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड सजेस्ट यू, आप छोटा सेंटेंस बनाइए, आपको आना चाहिए, आपको जाना चाहिए, खेलना चाहिए। द मोमेंट यू विल बी एबल टू मेक सच काइंड ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस, तो जाके आपको प्लंज करना है बड़े सेंटेंसेस को बनाने में। सी हियर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाक्य में ऑब्जेक्ट हो। सपोज मैं कहता हूँ आपको जाना चाहिए, सिंपल, यू शुड गो। मैंने ये नहीं बोला, उस जगह का नाम नहीं कहा, बट अगर मैं ये कहता हूँ कि आपको मार्केट जाना चाहिए, देन आई वुड से यू शुड गो टू द मार्केट, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। मैंने ये नहीं बोला कि आपको किस चीज़ को पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि आपको मैथ पढ़नी चाहिए, देन यू शुड स्टडी मैथ्स। तो बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट कि हर वाक्य में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। तो अगर आप बिगनर हैं, आप छोटा सेंटेंस बनाइए जिसमें कि तीन शब्दों से कोई एक छोटा सा वाक्य बन सकता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है बींग अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते। सिमिलरली बींग अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर होने के नाते। बींग अ गुड लीडर, एक अच्छे लीडर होने के नाते। यू शुड टॉयल, टॉयल कुड बी न्यू वर्ड टू यू। टॉयल का मतलब होता है संघर्ष करना, टॉयल, और देर आर सो मैनी वर्ड्स, हार्ड वर्क वगैरह वगैरह। सेकेंड सेंटेंस इज वी शुड कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब होता है किसी को मुआवजा देना, किसी के नुकसान की भरपाई करना। वो टाइम भी हो सकता है, वो किसी चीज़ का लॉस भी हो सकता है। अगर आपके द्वारा किसी का लॉस हुआ है, देन यू नीड टू कंपेंसेट हिम। द थर्ड सेंटेंस इज दे शुड फॉलो सूट अस। फॉलो सूट, रियली दिस इज नाइस वर्ड। फॉलो सूट का मतलब होता है किसी के पद चिन्हों पर चलना, किसी का अनुसरण करना। आई शुड स्टील द शो का मतलब है कि मुझे छा जाना चाहिए, मुझे ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, सिंपल। तो ये रहे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इट्स टाइम टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। हियर इट इज हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। आपकी हिंदी में ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपको आना नहीं चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे पहले यू नीड टू पुट सब्जेक्ट, देर आफ्टर शुड नॉट। हम व्हाट्सएप या जब भी हम किसी ऐसे रफ नोटबुक पे कुछ लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, और इसकी जो प्रोनंसिएशन है, दिस इज शुडन, शुडन, शुडन भी नहीं है, आपको डॉ उतना हार्शली नहीं प्रोनंस करना है, रादर यू नीड टू प्रोनंस इट शुडन। एंड एक्शन की फर्स्ट वर्म, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पुट कीजिए, और नहीं होगा तो लीव इट। सच एज आपको नहीं जाना चाहिए,
यू शुडन्ट गो. और अगर मैं कहता हूँ कि आपको सिनेमा हॉल नहीं जाना चाहिए, यू शुडन्ट गो टू सिनेमा हॉल, राइट. इसके बेसिस पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स भी मैं देता रहूँगा. हर एक सेंटेंस में आपको कुछ अच्छे वर्ड्स ज़रूर मिलते रहेंगे. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. पहला है बींग अ गुड डॉक्टर. बींग अ गुड डॉक्टर, यू नो वेरी वेल कि एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते. वेल, मैं एक ही बार ही लिख रहा हूँ, सो इट डजंट मीन कि एक सेंटेंस में ही ये यूज़ किया जाएगा. आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज पर योर नीड्स. वेल, बींग अ गुड डॉक्टर ही शुडन्ट लूट हिज पेशेंट्स. लूट हिंदी का वर्ड है बट इंग्लिश ने भी इसको अडॉप्ट कर दिया है, तो लूट का मतलब होता है किसी को लूटना, यू नो. दूसरा सेंटेंस है आई शुडन्ट प्रोक्रेस्टिनेट. इट इज़ रियली नाइस वर्ड. प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है लेट लपाट करना. शी शुडन्ट डिस्क्रिमिनेट अमंग हर स्टूडेंट्स. डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है मतभेद करना. ऑलराइट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, यू नो. इट शुडन्ट हैबिटेट. हैबिटेट एक वर्ड होता है रहने के लिए, लेकिन जानवरों को रहने के लिए हम यूज़ करते हैं हैबिटेट. इंसान अगर रहता है उसको कहते हैं लिव, पुट अप, ड्वेल, रिजाइड वगैरह वगैरह. इट शुडन हैबिटेट नियर बाय द टाउन. इस जानवर को, कोई जानवर है, क्योंकि इट जो जानवर होते हैं वो हीशी नहीं होते हैं. ऑफकोर्स वो मेल फीमेल होते तो हैं, लेकिन जानवर को हम हीशी नहीं कहेंगे. हीशी पर्पसफुली इंसानों के लिए ही यूज़ किया जाएगा. तो मैंने कहा ये टाइगर है या ये टाइगरस है. इट शुडन हैबिटेट नियर बाय द टाउन. इसको टाउन के नियर बाय हैबिटेट नहीं करना चाहिए. इट्स टाइम टू मेक क्वेश्चन विथ क्या. मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जो क्या से बिगिन होते हों, उनके आगे क्या आना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है. आई एम गोइंग टू राइट. अगर आप क्या से हिंदी के वाक्य बनाते हैं, जैसे क्या मैं जाऊँ, क्या मुझे जाना चाहिए, एक ही बात है. हम अपनी व्यवहारिक हिंदी में इस प्रकार से कहते हैं, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं बैठूँ, क्या मैं करूँ, क्या मैं बोलूँ. और आप इसको किताबी भाषा में, जो कि एक स्टैंडर्ड इंग्लिश आप इसको बोलें, आप इस प्रकार से कहेंगे, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे आना चाहिए, क्या मुझे लिखना चाहिए. मीन्स आज आपके सेंटेंसेस में ये आना ही आना चाहिए. वेल, तो क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो. बट अगर ऑब्जेक्ट अगर आप पुट करना चाहते हैं, उसके लिए उस प्लेस को, एक कोई प्लेस होना चाहिए, देन यू नीड टू पुट द ऑब्जेक्ट. जैसे कि क्या मुझे कॉलेज जाना चाहिए, शुड आई गो टू द कॉलेज. क्या मुझे खाना चाहिए, शुड आई ईट. लेकिन क्या मुझे बासी खाना खाना चाहिए. अब आपको ऑब्जेक्ट मिल गया है बासी खाना, जिसको कि कहते हैं स्टेल फूड. शुड आई ईट स्टेल फूड. राइट, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चंस. ओके, पहला क्वेश्चन है शुड आई स्टील द मार्च. स्टील द मार्च होता है चोरी चोरी प्रोग्रेस करना. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोस्ट होते हैं, ब्रैग होते हैं, यू नो. बोस्ट एंड ब्रैग का मतलब होता है शेखी मारने वाले लोग, या शेखी मारने को बोस्ट और ब्रैग कहते हैं. तो और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डार्क हॉर्स होते हैं, छुपा रुस्तम होते हैं. वो अपनी प्रोग्रेस सीक्रेटली करते हैं, वो ढिंडोरा नहीं पीटते. तो ऐसी प्रोग्रेस करना कि आप बतंगड़नी बना रहे हैं एंड सीक्रेटली यू आर प्रोग्रेसिंग, उस चीज़ को कहते हैं स्टील द मार्च. तो कोई कहता है शुड आई स्टील द मार्च, क्या मुझे चोरी चोरी अपनी प्रोग्रेस करनी चाहिए. आप यहाँ देखेंगे स्टील द शो, दिस वन, इसका मतलब है छा जाना, इसका मतलब है चोरी चोरी प्रोग्रेस करना. सेकेंड सेंटेंस इज शुड यू अप्रोच हिम, हर और देम. कि क्या आपको उनको अप्रोच करना चाहिए. यहाँ पे अप्रोच का मतलब है टू इंटरेक्ट, बातचीत करना. शुड, इट इज डी. शुड शी रिमेन हैप्पी. रिमेन इज सच अ नाइस वर्ड. रिमेन का मतलब है किसी दशा में, किसी स्थिति में बने रहने को कहते हैं रिमेन. शुड शी रिमेन हैप्पी, क्या उसको खुश रहना चाहिए. शुड शी रिमेन सैड, क्या उसे सैड रहना चाहिए. शुड शी रिमेन आइडल. आइडल का मतलब होता है अकर्मण्य, जब कोई काम कोई नहीं करता, उस कंडीशन को कहते हैं आइडल. राइट, ओके, आगे चलते हैं. शुड टॉम रिमेन मीडियोकर. मीडियोकर का मतलब होता है बहुत ही नॉर्मल पीपल, यू नो, सम काइंड ऑफ लाइक अ वेरी जनरल पीपल, नॉट एक्सट्रीम पीपल, यू नो.
तो जो सामान्य लोग होते हैं उनको कहते हैं मीडियोकर। अब बारी आती है WH फैमिली की कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। इन द मीन टाइम हम पांच ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसको कि हम डील करेंगे क्योंकि वो आसान है इस नाते। वेल, दिस इज द फॉर्मूला टू मेक क्वेश्चंस विद WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स, कौन, कहाँ, कैसे। इन द मीन टाइम अभी मैंने कहा हम इन पांचों को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले इनको पुट किया जाएगा। सून आफ्टर ये वाली जो सीरीज है ना, ये वाली सीरीज को फिर से आप रिपीट करेंगे। तो शुड की जगह शुड, देर आफ्टर सब्जेक्ट एंड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा ऑफ कोर्स यू विल पुट द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, सो कहाँ मीन्स वेयर शुड आई गो। सिंपल, मुझे क्या करना चाहिए, वॉट शुड आई डू, मुझे क्या खाना चाहिए, वॉट शुड आई ईट। तो कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं, दीज आर फाइव क्वेश्चंस। वॉट शुड आई वॉच, मुझे क्या देखना चाहिए, वॉट शुड आई रीड एंड स्टडी। वैसे आपको पता होगा कि रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस है। रीड का मतलब होता है किसी पन्ने को पढ़ना, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, सिस्टमैटिकली किसी चीज़ को क्रमबद्ध पढ़ाई को कहते हैं स्टडी। और किसी पन्ने को पढ़ना, अखबार बुक को पढ़ना, दैट्स कॉल्ड रीड। वेयर शुड आई गो टू फाइंड गुड फूड, मुझे कहाँ जाना चाहिए अच्छे खाने को पाने के लिए। सपोज समबडी इज सर्चिंग गुड होटल और समथिंग, तो उसको ये पूछना है। वाई शुड आई फॉलो सूट, यू फॉलो सूट, यू नो, किसी का फॉलो सूट करना, किसी का अनुसरण करना। When should a person leave the bed? It's called bed, ना कि bed. Bed means like bed, इसको bed, you know. एक इंसान को कब उठना चाहिए, and how should I behave with them? मुझे उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी इफ्स और बट्स रहते हैं यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉमेंट मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।